कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से मैं इन लोगों का अत्याचार सह रही हूँ। मेरे घर में मुझे मारते हैं, पीटते हैं और मुझे घर से घड़ी घड़ी बाहर निकाल देते हैं। और मेरी शादी ही होके 20 साल हो गया। 20 साल में अभी तक के मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कोई ऐसा कोई एक सूख नहीं दी है। फिर भी मैं रह रही हूँ कि एक इज्जत के लिए। लेकिन फिर भी अभी 2 दिन पहले मेरी ननंद है मलसीना खतीब, जो शिवसेना के नाम पे मुझे धमकाती है, मुझे ही नहीं बाहर भी और हमारे एरिया में भी, वो बोलती है कि पुलिस मेरी जेब में है, तेको क्या करना है कर ले, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और उसी जोर पे उसने मेरे को आकर मेरे घर में मारी। मेरे को देखो कैसे मारी है, मेरे बदन में पूरा दर्द है। और मेरे को बोलती है कि तेको क्या करना है कर ले, मेरे बच्चों को मेरे को बाहर निकाल के घर में लॉक कर दिए। क्या कारण है आपके इतना के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं? उन लोगों को मेरा घर चाहिए, जो घर में मैं शादी करके गई हूँ। बस उन लोग बोलते हैं कि ये घर हम लोग का है, ये घर में जैसा रखेंगे वैसा रहना, ऐसा ही बोलते हैं। वो बोलती है मेरे आदमी तो कुछ काम नहीं करते, वो ड्रिंक करते, दारू पीते हैं और मेरे को मारते पीटते हैं और 24 घंटा उसके आगे पीछे रहता है। जो मर्जी ना है वो मुनीर बस यही चाहती है कि इसको छोड़ो और मेरे आगे पीछे रहे वो। मैं ये क्यों, मैं काम की जगह पे जाती हूँ, वहाँ पे भी आके मेरी बेइज्जती करते हैं। काम वालों को बोलते हैं कि इसको काम पे मत रखो, ये ऐसी है वैसी है। मेरे को इतना परेशान करके रख दिए ना, और वो किसके दम पे करती है तू ही नहीं, तू क्या किसकी भी सपोर्ट लेके आ जाए मैं तेको क्या से क्या कर दूंगी, तेको पता नहीं। मेरे को ना धमकी देती है, मेरे पे घासेड़ डाल के आग लगा देगी, तो मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे बच्चों को भी मारती है, मेरे को भी मारती है और बोलती है कि जा जो करना है कर ले और जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। आज आप डीसीपी साहब के पास गए थे, डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीसीपी साहब ने मुझे बोले और वो फोन करके भी बोले है कि जाओ वहाँ पे तुम्हारी सुनवाई होगी, तुमको न्याय मिलेगा। और मेरी ना विनती है उदय ठाकरे साहब से, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपकी सेना की है तो उसको इतना वो मत करो, क्योंकि वो अत्याचार कर रही है आपका नाम लेके। कोई गरीब का हर किसी को उसके मारती है, तोड़ती है, बोलती मैं शिवसेना वाली हूँ। वो उसके औरत को, उसके बेटे को मारी उसने और बोलती है कि क्या करना है उखाड़ ले, मेरे को तेरे घर चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। वो निकाल दे, निकालती है या आधी आधी रात को निकालती है। वो अपने बच्चे लेके किधर जाएगी, कहाँ जाएगी? रोड पे बैठेगी बच्चे लेके? मैं अपनी ससुराल की हूँ, मैं उसको रखूँगी, कौन तकेगा उसको? इसके लिए आप प्लीज़ उस पर उसकी हेल्प करो, उसके साथ दो। और डीसीपी एसीपी से भी मैं विनती करती हूँ कि उसको इंसाफ दो। मेरे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मर्जीना खतीब, मुनीर खतीब और मुमताज खतीब की होगी। देखो कोई भी चीज़ हो, इंसाफ मिलना चाहिए उसके बच्चों को और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मर्जीना जो कर रही है गलत कर रही है, हर एक इंसान के साथ वो गलत क्यों कर रही है? कौन सा ऐसा उसको बैकग्राउंड मिला है, कौन सा उसको सपोर्ट मिला है जो गलत कर रही है? क्यों कर रही है भाई? एक भाभी है उसकी, उसको घर में रहना ही चाहिए, उसको मार रही है। एक औरत वो है, एक औरत ये है, एक औरत को एक औरत क्यों मार रही है? सगी भाभी है, कौन सा उसको बैकग्राउंड मिला है जो भाभी को मार रही है? नहीं मारना चाहिए भाभी को, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं हर किसी से यही विनती करती हूँ कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मेरी निवेदन है कि मेरी FIR ले, डिंडोशी चौकी वाले मेरी हेल्प करें। और मेरी हेल्प करें ये कि मेरे को ना मेरे घर में जाना है, मैं रोड पे हूँ मेरे बच्चों को लेके, तो मेरी FIR ले और मुझे इंसाफ दिला।